कोरोना संक्रमण को देखते हुए रेलवे चिकित्सालय में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर को सोमवार को कमिश्नर जयंत नार्लिकर, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता, एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एसके तिवारी सहित अन्य अधिकारियों ने निरीक्षण किया और तैयारियों का जायजा लिया। मंडलायुक्त ने बताया कि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा पूरी तैयारियां की गई हैं। किसी भी विकट स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। इस दौरान मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि कहीं भी कोई चूक न होने पाए, इसलिए सतर्क रहें और अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करें। वैसे आज मैं निकला था करीब 2:30 बजे, देख के आया तो सब बंद है। नहीं नहीं, गोरखपुर का ठीक है। हाँ, मतलब मैंने पढ़ा अखबार में, उस हिसाब से आपका भी सब बंद है। ये सर यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ फ्लो भी बाहर पहले आउट बलिया आ रही है अहमदाबाद से। अभी जो ट्रेन इधर इस सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ ठीक था, यहाँ ठीक है, यहाँ तो बहुत सब पूरे खड़े होते हैं, इतने धूप में खड़ा होकर के 5-5 घंटे खड़ा होकर के आराम। ये बात गलत है कि खाने को पैसा नहीं है। वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो क्या? चलिए आइए, वो भी देख रहे हैं। और लॉन्ड्री कहाँ लगाएंगे आप? मुझे लॉन्ड्री की बहुत चिंता है। आज तो यार मौसम बड़ा वैसा है, आगे तो ये बेचारे परमानेंट में रहे तो ज़्यादा अच्छा। क्यों वही सर, हम भी एक्टिव पैसिव की सोच रहे हैं। अब जैसे BRD में सर एक महीने से लगा है, तमाम स्टाफ लगा है, हम सोच रहे हैं उसको पैसा उठने में। प्राइवेट हॉस्पिटल ड्रॉप साहब देख लीजिए, उसमें आगे छुप प्राइवेट OPD भी चालू कर दें कुछ लोग। हम लोग कब तक गली में देखते छपला, मतलब बिहार गवर्नमेंट अब ले रही है अपने लोगों को। हाँ बढ़िया, रोज चले जा रही है, रोज चले जा रही है, रोज जा रही है सबके। तो हमने सुना जहाँ से शुरू करेंगे भरना, हम लोग सारी फैसिलिटी तो भरना।